तो आज हम दोबारा से जीन म्यूटेशन के बारे में एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। अर्णव गुड मॉर्निंग। तो क्या है क्या नहीं इसमें थोड़ी सी, मेरा मतलब क्योंकि अभी हमने जीन नहीं की, जीन का अगले चैप्टर में आना है, बट फिर भी मैं यहाँ आपको समझाती हूँ दोबारा से। तो जीन क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर्म्ड, या आप कह सकते हो इसको अलग से करो, इट इज फॉर्म्ड ऑफ चेन ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन इन कोडेड फॉर्म। इट ट्रांसफर्स इट्स इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए। राइबोसोम्स एंड टीआरएनए डीकोड्स का एमआरएनए एंड फॉर्म प्रोटीन फॉर्म चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अनदर इज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। एंड हैज मेनी जीन्स, या हम बात कर रहे हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, वन डीएनए मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड है और बहुत सारी जीन्स है। ओनली अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज अ स्पेसिफिक जीन ट्रांसक्राइब्स टू फॉर्म एमआरएनए। एक टाइम पे कई जीन्स एमआरएनए बनाएंगी अलग अलग, बट स्पेसिफिक पूरे का पूरा डीएनए नहीं, एंड नॉट द होल डीएनए। एट ए स्पेसिफिक टाइम देयरफॉर हम कहते हैं जीन ट्रांसक्राइब्स कंप्लीट क्रोमोसोम और डीएनए कंप्लीट नहीं, हर जीन अपनी अपनी ट्रांसक्रिप्शन करती है। ठीक है, कंप्लीट क्रोमोसोम और डीएनए डज नॉट ट्रांसक्राइब एट ए टाइम
एपिफेनिक साइमल्टेनियसली, ये नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसफर, नहीं छोटे 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 एमआरएनए बनते हैं, राइट। एंड अनदर पॉइंट, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ जीन, क्योंकि जीन डीएनए की बनी है, डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं, तो जीन के भी दो ही स्ट्रैंड्स होंगे। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ जीन ट्रांसक्राइब, and is called as template strand. जो mRNA बनता है, mRNA of a gene of a, you can say mRNA is complementary, similar नहीं है, complementary है, complementary to the template strand. Another point, कि जो protein है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड इज ए चेन ऑफ अमीनो एसिड, जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तभी हमने कहा है क्योंकि एक चेन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस नंबर एंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफरेंट इन different polypeptides, PP मतलब polypeptides, इनमें difference है तो 20 amino acids ही है। अब 20 amino acids में से क्या sequence है, इसमें हो सकता है एक polypeptide है उसमें चार ही amino acids है, but वो बार बार repeat हो रहे हैं, कहाँ पे repeat हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये हमें नहीं पता। और polypeptide जो है hundreds of जो है उसमें amino acids हो सकते हैं, इसका मतलब 20 अमीनो एसिड्स में से कई अमीनो एसिड्स रिपीट करते हैं, इज इट ओके, ठीक है। तो इसलिए दीज आर डिफरेंसेस। एनी चेंज, एनी चेंज इन टाइप नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स changes the protein. एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए, एक अमीनो एसिड कम हो जाए, एक अमीनो एसिड यहां से उठ के वहां चला जाए, तो प्रोटीन, सारा प्रोटीन चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, म्यूटेशन तो डीएनए में हुई बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोटीन चेंज हो गई, इज इट ओके। नेक्स्ट यहां पे मैं बात कर रही हूं द टाइप नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स in a protein, the specific carrier, in a protein
is due to specific sequence of nucleotides in mRNA and gene. इसका मतलब है कुछ भी जीन में चेंज आएगा, एमआरएनए में चेंज आएगा, एमआरएनए में चेंज आएगा तो प्रोटीन डिफरेंट होगा, ठीक है। सी एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए forms one genetic codon which recognizes specific amino acid. For example, AUG ये पहचानता है मिथियोनिन को, जीयूजी ये पहचानता है विलाइन को, टीएजी ये पहचानता है ग्लूटामिक एसिड। Is it right? ठीक है, तो ये जीन इस तरह से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो ऊपर, ये जीन के बारे में हमने बताया, फिर हम जीन म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। लिख लो, ये नोट कर लो। ओके मैम। चलिए जी, अब हम बात करते हैं। कल मैंने जैसे आपको बताया था, अब आपने ही वही मुझे बताना है कि ये जीन है, दैट इज सी जी ए सी ए सी 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 जी ए ए जी A, let us say, ये है, ये 5'-3' एंड है। अब आपने मुझे 3'-5' एंड ये बताना है, इसके नीचे क्या लिखे। उसके बाद इफ 3'-5' मतलब ये स्ट्रैंड वन, ये स्ट्रैंड टू, दैट इज टू ट्रांसक्राइब्स, व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in mRNA from 5'-3' direction, ठीक है। पहले तो आपने मुझे इसका बताना है, भव्या आपने बताना है मुझे कि इसके नीचे कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड है डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड, इसका सीक्वेंस क्या आएगा, ठीक है। एंड अर्नव आपने मुझे बताना है कि mRNA का सीक्वेंस क्या आया। लिख लो जरा, राइट डाउन अपने कॉपी में, आंसर कर लो और फिर मुझे बताओ ये सीक्वेंस क्या आएगा। थायमिन पेयर्स विद एडेनिन, गुआनिन विद साइटोसिन, थायमिन एडेनिन थायमिन गुआनिन गुआनिन एडेनिन साइटोसिन थायमिन थायमिन साइटोसिन guanine, thymine,
अर्नव आपका है बेटा सीक्वेंस बताओ अब ये वाला स्ट्रैंड नीचे वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस इन एमआरएनए जल्दी से ये डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है टेम्पलेट स्ट्रैंड है थ्री प्राइम मैं वैसे ही लिख रही हूँ ए टी पी ए टी जी जी ए सी टी 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 जी टी जी इसने ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो एम आर एन ए बेटा हमेशा जो एम आर एन ए है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ठीक है इसलिए थ्री प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा यहाँ पे फाइव प्राइम एडेनिन का डीएनए में थायमिन होता है बट आरएनए में क्या होगा यूरेसिन शिवांशी आप मुझे बताते हैं चलो फटाफट से माइक ऑन करो आगे क्या लिखो मैम जी यस साइटोसिन के गुआनिन यहाँ पे मैम ये पता नहीं थायमिन थायमिन के ऑपोजिट एडेनिन बेटा एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिन फिर एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन यूरेसिन गुआनिन एडेनिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन सो दिस इज द आरएनए स्ट्रैंड तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स थ्री एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स कोड फॉर कोड फॉर द अमीनो एसिड्स वैसे यूजीए स्टॉप कोडोन होता है बट चलो हम वैसे ही जनरल बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ अभी स्टॉप कोडोन स्टार्ट कोडोन अभी नहीं देखेंगे ठीक है तो कितने अमीनो एसिड्स 1 2 3 4 5 तो इट विल फॉर्म अ चेन ऑफ 5 अमीनो एसिड ठीक है दिस इज जेनेटिक कोडोन 1 ये कोडोन 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इज इट ओके एवरीबडी इफ नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन म्यूटेशन ट्रांजिशन मीन्स किसी एक जगह पे प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन टेम्पलेट ये स्ट्रैंड है तो यहाँ पे लेट अस से दिस थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन राइट तो टेम्पलेट क्या आ जाएगा थ्री प्राइम ए सी टी ए सी जी जी ए सी टी टी सी जी टी जी एम आर एन ए फाइव प्राइम यहां पे कौन सा चेंज हुआ है ये यहाँ पे मैं ये चेंज हो गया पहले यहाँ पे टी था थायमिन की जगह साइटोसिन आ गया थायमिन इज ए पिरिमिडिन साइटोसिन इज ए पिरिमिडिन तो ये आ गया यू जी ए यू फिर ये जी
यूजीसी, बाकी तो सारे सेम। तो अब जो प्रोटीन बना वहां पे दिस इज वन, इसके साथ लेटर से 10th अमीनो एसिड आ गया। हम यहाँ पे कोई सा भी 10th अमीनो एसिड आ गया, हमने नाम दे दिया अमीनो एसिड को यहाँ पे लेटर से, बाकी जो थे 2, 3, 4 बस 5 ही नहीं, तो यहाँ पे था 1 लेटर से 5, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस था प्रोटीन का अमीनो एसिड का। अब यहाँ पे 5 की जगह 10th अमीनो एसिड आ गया, तो देयर अकर्स अ चेंज। इज इट ओके, समझ में आई? दिस इज ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, दैट इज प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन, मतलब चेंज होना है न्यूक्लियोटाइड, कोई सा चेंज हो जाए। इज इट राइट? ठीक है, ये समझ में आई बेटा सबको के नहीं? अर्चप्रीत, मयंक? यस मैम। मयंक आपको? यस मैम। ठीक है, तो यही पे मैं मैम ये 1, 5, 2, 3, 4 कैसे है ये समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आने वाली बात है नहीं, ये तो मैंने नाम दे दिया अमीनो एसिड को कि ये 1 अमीनो एसिड है, ये 5 अमीनो एसिड है, ये 2 अमीनो एसिड है। मैंने विलाइन, ट्रिप्टोफैन ये नाम नहीं दिया, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये नाम दे दिए। ठीक है, सीक्वेंस तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ये नाम दिया और कुछ भी नहीं। मैम ये फिर कैसे पता चलेगा? ये बेटा अभी ये पूरे कोड्स है, ये आपको जब पता चलेगा कि जीयूजी, मैंने जैसे बताया था एयूजी कोड फॉर मिथियोनिन, जीयूजी कोड फॉर विलाइन, ठीक है, तो ये और स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ओके, पहले ये लिखो फिर हम आगे काम करते हैं। तो अब आपको ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन का पता चल गया, वो तो नहीं करने की जरूरत है। ट्रांजिशन में मैंने बताया नंबर ऑफ जेनेटिक कोडोन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिमेन सेम, वेयर एज इट इज द टाइप ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स विच गेट्स चेंज्ड। टाइप चेंज होती है, नंबर वही रहता है। ठीक है, और कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया, जीन फॉर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर यहां पे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड देखें तो क्या था, 3' से हमने सारा नहीं याद करना, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए ये एक कोडोन, 2, 3, 4, 5 और मतलब कोडोन तो चलो यहाँ पे सिर्फ मैंने नंबर लिखा है 1, 2, 3 फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और यहाँ पे फिर 6th वाला जो था ये बाकी के छोड़ दिए थे मैंने अपने, 6 यहां पे यू कैन से इट इज, इट वॉज दैट इज सी टी सी।
बाकी आगे बहुत सारे। जब इसने ट्रांसक्रिप्शन की एमआरएनए बनाया तो इस वाले कोडोन की ट्रांसक्रिप्शन क्या हुई? जी ए जी। ये कोडोन्स आ गए, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स ने कोडोन्स बनाए। इसने जब ट्रांसलेशन हुई तो फर्स्ट कोडोन ने बनाया विलाइन, विलाइन के बाद आ जाता है हिस्टिडिन, देन थर्ड आ जाता है ल्यूसीन, ल्यूसीन के बाद आ जाता है थ्रियोनिन, फिर आ जाता है प्रोलीन, और प्रोलीन के बाद ये वाला कोडोन इट कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, राइट। फिर है विलाइन, देन विलाइन के बाद अगेन ग्लूटामिक एसिड, और भी बहुत आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। इज इट ओके? एक मिनट, यहाँ पे एक सेवंथ पे फिर ग्लूटामिन ही आएगा, ग्लूटामिक एसिड। तो दिस इज, आगे भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, तकरीबन 139 अमीनो एसिड्स की ये चेन है। तो बस ये जो है हमने बिल्कुल नहीं याद करना, सिर्फ ये करना है कि जो सिक्स्थ कोडोन है, सिक्स्थ से पहले 5 3 15 15 न्यूक्लियोटाइड्स क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, मतलब पता तो होगा बट हमने ख्याल नहीं करना, हमने सिक्स्थ का ख्याल करना है, जो सिक्स्थ कोडोन है या 15, 16, 17, 18 जो 18th न्यूक्लियोटाइड, 16, 17, 18 न्यूक्लियोटाइड, इसका सीक्वेंस है टेम्पलेट पे सीटीसी और एमआरएनए में है जीएच, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है? दैट इज थायमिन की जगह, थायमिन क्या है? पिरिमिडिन है, ठीक है। इट गेट्स चेंज्ड इनटू, किसमें चेंज हो रहा है? दैट इज एडेनिन, राइट। सो थायमिन इज ए पिरिमिडिन और एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। सो पिरिमिडिन इज चेंज्ड इनटू प्यूरिन, सो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। कौन सी म्यूटेशन है? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन इन 17th न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपने अब टेम्पलेट में पहले 16 बना लेने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये 16 है, 18, 16 साइटोसिन, यहां पे एडेनिन आ गया। टीटीसी की जगह पे टीएसी बन गया। उसके बाद इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, एमआरएनए बना,
यहाँ पे क्या आ गया, साइटोसिन की जगह गुआनिन, एडेनिन इसके साथ पेयर करता है, यूरेसिल के साथ, एंड दिस अगेन पी ए सी ए सी, आई एम सॉरी, इट इज सी ए सी, तो जी यू जी, तो जिसके कारण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो पॉलीपेप्टाइड क्या आ गया, विलाइन, हिस्टिडिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, और सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिन की जगह पे क्या आ गया, विलाइन, और सेवंथ पे फिर ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड। तो GAG इज द कोडोन फॉर ग्लूटामिन, वेयर एज GUG इज द कोडोन फॉर विलाइन। इज इट ओके? सो दिस इज यू नो फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये कल भी मैंने बताया था, दोबारा से बता रही हूं, फॉर सिकल टाइप हीमोग्लोबिन, इज इट ओके? और इसके सिम्टम्स हमने आपको बता दिए थे कि सिकल टाइप हीमोग्लोबिन इज ए, यू नो, द जीन फॉर सिकल टाइप हीमोग्लोबिन इज ए प्लियोट्रॉपिक जीन, जो क्या करती है, हीमोग्लोबिन की शेप भी चेंज, हीमोग्लोबिन का टाइप चेंज करती है, और साथ ही आरबीसी की शेप भी चेंज कर देती है। बट सिकल सेल एनीमिया इट अकर्स ओनली इफ द पर्सन इज होमोजाइगस, राइट, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर नॉर्मल, इज इट ओके? ये हमने आपको बताया हुआ है, तो ये कर लो फटाफट से। सो दिस इज कौन सी म्यूटेशन है, That is transversion mutation. Okay, समझ में आई है बेटा सबको? Next है frame shift mutation. Caused due to addition or deletion of nucleotides in DNA. फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ बात कर रहे हैं डीएनए टेम्पलेट की, डीएनए टेम्पलेट है टी जी जी ए ए सी जी टी ए टी 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 जी ए टी सी, लेट अस से ये टेम्पलेट है। एमआरएनए इसका क्या बनेगा, जी सी सी यू यू जी टी जी यू A G A then A C U G G G बेटा mRNA में थाइमिन नहीं होता, mRNA में जहां जहां थाइमिन होता है उसकी जगह यूरेसिल होता है। mRNA does not have thymine, they have uracil.
और डीएनए में यूरेसिल नहीं है, थायमिन है। तो डीएनए में एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, और अगर एमआरएनए बन रहा है तो एडेनिन पेयर्स विद यूरेसिल और वाइस वर्सा। तो ये एक कोडोन, अनदर कोडोन, अब यहां पर लेट अस से इधर एड हो गया थायमिन। तो अब म्यूटेशन हम कह सकते हैं, एडिशन म्यूटेशन, अब टेम्पलेट क्या हो गया बेटा, इट इज सी जी जी ए सी जी, अब यहां पे एक आ गया टी, टी ए टी सी टी टी जी ए टी सी सी। अब इसने जो एम आर एन ए बनाया, अगेन ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका जी सी सी यू यू जी टी, अब यहां पे क्या आ गया ए। अब यहां पे देखो सारे अब कोडोन्स चेंज होंगे, देखते हैं यू ए जी फिर ए सी यू जी जी जी। अब कोडोन्स क्या है जी सी सी, इसकी तरह सेम है, यू यू जी ये भी सेम है, आगे चेंज हो गया, ये था सी जी यू, ये रह गया सी ए जी, राइट। तो और फिर ये आगे सारे कोडोन अलग हो गए, उसके बाद फिर आ गया यू ए जी ए ए सी यू जी जी, ये सारे कोडोन्स जो है वो चेंज हो गए। अगर ये कोडोन चेंज हो गए तो साथ ही अमीनो एसिड्स भी चेंज हो गए, राइट। सो फ्रेम इज शिफ्टेड फॉरवर्ड, तो इन दिस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड द जेनेटिक फ्रेम is shifted. ये shift कर गया। इसी तरह से कोई एक बीच में से निकाल दो तब भी shift कर जाए, ठीक है, क्योंकि genetic codons are continuous, right? इसलिए बीच में आ गया तो उसने अपनी जगह बना ली और फिर ये बाकी के nucleotides आगे 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 shift हो गए, ठीक है, is shifted in forward direction. And thus, different polypeptide is formed. क्योंकि genetic codons change हो गए, तो polypeptide different हो गए. So this is frame shift mutation. सिर्फ इसकी example हम कहेंगे thalassemia. Is caused due to frame shift mutation. आगे हम diseases करेंगे तो पता चलेगा कि thalassemia जो है, in which either beta chain or alpha chain or both chains of hemoglobin are not formed. Is it okay? ठीक है, लिखो ये जल्दी से.